मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। मेरा नाम सिराज है और मैं एनएचएस के अंदर एज स्क्रब नर्स यानी थिएटर प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। और मेरी आज की जो वीडियो है वो आज मैं आपको अपने साथ जो है वो अपने ओआर के पूरे स्केड्यूल के बारे में बताऊँगा कि किस तरीके से एक एनएचएस का ओआर जो है वो कम्प्लीटली ऑपरेट करता है और किस तरह एक टर्शियरी ओआर जो है उसमें एक नर्स की किस तरीके से शिफ्ट की जाती हैं, क्या हमारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और हमारा एक जो पूरा दिन होता है अ टिपिकल डे विद ओआर नर्स, तो मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। सो एनएचएस के अंदर जिस फर्स्ट के अंदर मैं काम करता हूँ, सो वील स्टार्ट विद द शिफ्ट्स फर्स्ट। तो हमारे पास ओआर के अंदर तीन रोल्स होते हैं जो एक नर्स से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। द फर्स्ट रोल इज जो हमारा रोल होता है वो होता है स्क्रब का, जिसके अंदर आप डिफरेंट प्रोसीजर्स के अंदर स्क्रब करते हैं और आप जो एक स्टराइल फील्ड होती है जो आपको पूरी मेंटेन करनी होती है और पूरा ऑपरेशन जो है वो आपको कंडक्ट करवाना होता है। जो सेकंड रोल हमारा होता है वो आता है सर्कुलेटरी नर्स का, जो कि आउटसाइड दैट स्टराइल फील्ड काम करते हैं और उनका काम ये होता है कि वो जितने भी बाहर की चीज़ें होती हैं विच इंक्लूड्स द इम्प्लांट्स, या अगर कोई हमें इक्विपमेंट चाहिए या हमें कोई किसी भी चीज़ की हमें अगर स्टराइल फील्ड के अंदर ज़रूरत है, तो वो उस सर्क्यूलेटर का काम होता है कि वो हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। और जो तीसरा रोल होता है नर्सेस का वो होता है रिकवरी, जो कि हम ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जब पेशेंट रिकवरी के अंदर जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उस पेशेंट को 2 से 3 घंटे वहाँ पर रिकवर करते हैं, उसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करते हैं और उसके बाद उसे स्पेसिफिक वार्ड में जहाँ भी जो रिक्वायर वार्ड है वहाँ पर उसे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो मेरा जो स्पेसिफिक रोल है, मैं आपको आज स्क्रब के बारे में बताता हूँ कि हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर होती हैं। सो द फर्स्ट इज़ अर्ली, जो कि सुबह 8 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक होती है। जो सेकंड शिफ्ट हमारी होती है वो है लेट, जो कि सुबह 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होती है। जो तीसरी शिफ्ट हमारे पास होती है दैट इज़ नाइट, जो कि हमारी रात को 8:30 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक की हमारी वो शिफ्ट होती है। तो हमारा जो टिपिकल ओआर होता है वो इन 3 शिफ्ट्स के अराउंड रोटेट करता है। हमारे एनएचएस ट्रस्ट के अंदर 12 आवर की शिफ्ट नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे एनएचएस ट्रस्ट ऐसे हैं जहाँ पे जो ओआर है वो 12 आवर शिफ्ट भी रखता है, लेकिन हमारे पास हमारे ट्रस्ट के अंदर ये नहीं होती, बट ये भी एक शिफ्ट है जो की जाती है। सो स्टार्टिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, तो एज ए स्क्रब आप सुबह 8 बजे आपको अपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर रिपोर्ट करना होता है, जिसके बाद जो है आपको सबसे पहले आप अपनी एलोकेशन शीट देखते हो जिसमें आपको अपनी ओआर टीम के बारे में पता चलता है। एन ओआर टीम कंसिस्ट ऑफ 2 से 3 स्क्रब नर्सेज, देर हैज़ टू बी 1 सर्क्यूलेटरी नर्स एंड देर हैज़ टू बी एन एनेस्थेटिक, और उनका एक ODP होता है जिसे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट प्रैक्टिशनर कहा जाता है, जो कि एनेस्थेटिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनका काम यही होता है। तो एक एनेस्थेटिक प्रैक्टिशनर होता है, एक एनेस्थेटिक होता है, 2 या 3 स्क्रब नर्सेज होती हैं और आपके पास एक रनर होता है जो बाहर के जितने भी थिएटर के बाहर के जितने काम होते हैं वो उस चीज़ को देखता है, और एक सर्जन होता है और उसके साथ उसका एक रजिस्ट्रार होता है। तो ये एक पूरी टीम होती है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि फ्रॉम 8 to 8:30 इस 30 मिनट्स के गैप के अंदर हमें अपनी पूरी टीम कंप्लीट करनी होती है और हमें हमारी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि वी आर रेडी टू ऑपरेट द थिएटर्स। उसके बाद सून आफ्टर 8:30 हमें जो एक लिस्ट दी जाती है जिसके अंदर हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें करवाने होते हैं एक दिन के अंदर, जो कि हमारी लिस्ट 9 बजे स्टार्ट होने वाली होती है। सो उस लिस्ट से पहले हमें एक टीम ब्रीफिंग होती है जिसके अंदर पूरी जो ओआर की टीम मैंने आपको बताई है वो बैठती है और वो डिस्कस करती है कि हम किस सीक्वेंस से अपने केसेस को लेके चलेंगे और किस केस के लिए हमें स्पेसिफिकली कोई स्पेशल नीड है, जिसमें एक्सरेज होते हैं, जिसके अंदर हमारे CT स्कैन्स की रिपोर्ट्स आती हैं, जिसके अंदर हमारे पास बायोमेडिकल फोटोग्राफर्स आते हैं, तो हमें अगर किसी चीज़ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की नीड है तो हम अभी से ही उसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं और हम एक पूरी लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें हम अपने पास लिख लेते हैं और फिर उस तरीके से हमें पूरे दिन को एग्जीक्यूट करना होता है। सून आफ्टर द टीम ब्रीफ हम जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और वील सेंड फॉर द फर्स्ट पेशेंट, जिसके अंदर हमें पता होता है कि अब हमारे पास पेशेंट आने वाला है और हम अपने थिएटर को रेडी करते हैं, जिसमें हमें सक्शन और बाकी जितनी भी हमारे थिएटर के अंदर मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें हमें देखना होता है, जिसमें डायथर्मी है, सक्शन है, ओआर पैड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैनोपी लाइट्स हैं एंड और हमारे जो ओआर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर है और बाकी जितने भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको हमें देखना होता है बिफोर गेटिंग द पेशेंट इन टू द थिएटर्स। जब पेशेंट हमारे पास पहुंच जाता है तो पेशेंट सबसे पहले ODP और एनेस्थेटिक्स के पास जाता है
जहाँ पे वो पेशेंट को चेक करते हैं और पेशेंट को जो है वो उनका रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया देते हैं। साइमल्टेनियसली हम लोग जो हैं वो हम एज बीइंग अ स्क्रब नर्स हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स और अपनी जो ट्रेज होती हैं उन्हें हम सेट करते हैं वहाँ पे और वील वेट फॉर द पेशेंट टू कम टू द ओआर बेड। जब एनेस्थीसिया उन्हें एनेस्थेटिक्स जब है वो उन्हें दे देते हैं तो पेशेंट हमारे पास टेबल पे शिफ्ट हो जाता है एंड दिस हाउ द प्रोसीजर रन्स। फिर वो हमारे पास नाइफ टू स्किन होता है और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हम करते हैं। सो डीलिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब ऑपरेशन शुरू होता है तो स्क्रब नर्स का काम ये होता है कि वो एक स्टराइल फील्ड मेंटेन करती है या करता है और वो जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कोशिश करता है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फील्ड के अंदर हों और सर्जरी में कोई डिले नहीं आए। तो हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स देना, इंस्ट्रूमेंट्स हमें वापस लेने होते हैं, शार्प्स और बाकी चीज़ें हमें सारी देखनी पड़ती हैं, स्वैप काउंट सारे देखने पड़ते हैं। तो ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं स्क्रब नर्स की। और जब एक नर्स स्क्रब करता है तो बाकी के दो जो स्क्रब नर्सेज हैं वो एज अ सर्क्यूलेटर काम करते हैं और हम जो है वो ऑल्टरनेट तरह जो है हम स्क्रब करते हैं, यानी कि अगर हम तीन स्क्रब नर्सेज एक ओआर में हैं एंड इफ आई एम डूइंग द फर्स्ट वन तो सेकंड केस जो है वो सेकंड स्क्रब नर्स करता है, थर्ड केस जो है वो थर्ड स्क्रब नर्स करता है और उस वक्त मैं एज अ सर्क्यूलेटर काम करता हूँ और इस तरह हमारी जो है वो एक पूरी सीक्वेंस चलती है। सो इफ देयर इज अ फोर्थ केस तो फिर दोबारा से मैं स्क्रब करूंगा और वो दो नर्सेज जो हैं वो सर्क्यूलेटर का काम करेंगे। और इस बीच के अंदर हमारे पास जो है वो 45 मिनट्स का ब्रेक होता है जिसमें 30 मिनट्स का एक हमारे पास लंच ब्रेक आता है और एक 15 मिनट्स का एक मॉर्निंग ब्रेक आता है। जो मॉर्निंग ब्रेक होता है वो हम जो है वो सुबह 12 बजे से पहले ले लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी स्क्रब्स हैं और जितने भी हमारे पास टीम मेंबर्स हैं वो 15 मिनट्स का मैंडेटरी ब्रेक ले लें और वो 12 बजे से पहले हम सारे ब्रेक्स ख़त्म करें। 12 बजे के बाद वी ट्राई कि हम एक एक करके जो है वो लंच ब्रेक्स पे जाएं विच इज़ ऑफ 30 मिनट्स और कोशिश ये होती है कि टिल द एंड ऑफ द सर्जरी या टिल द एंड ऑफ द लिस्ट हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी हमारी टीम मेंबर्स हैं वो एक 30 मिनट्स का मैंडेटरी लंच ब्रेक ले लें और हम इस तरह उसको एग्जीक्यूट करते हैं कि वो हो जाता है। सो ये एक पूरा ऑपरेशन का या पूरा ओटी का एक पूरा हमारा दिन होता है एज बीइंग अ स्क्रब नर्स। और बाकी सर्क्यूलेटरी और जिसकी मैंने आपसे बात की रिकवरी, उनकी भी इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सर्क्यूलेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिमिलर टू द स्क्रब भी होती हैं कि आपको जो है वो सामान प्रोवाइड करना है और आपको स्टराइल फील्ड के बाहर सारा काम करना है एंड रिकवरी जो है उनका काम ये होता है कि वो सारे पेशेंट्स को रिकवर करके भेज देते हैं। सो दिस इज़ अ टिपिकल शिफ्ट ऑफ ओ आर नर्स, मेनली जो हमारा फोकस था वो स्क्रब नर्सिंग के ऊपर था। तो आई होप आपको इसमें से जो इन्फॉर्मेशन, अगर जितने भी स्क्रब नर्सेस मुझे देख रहे हैं आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसमें से मिल गई हो और अगर नहीं और इन केस अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। मेरी जो ओआर की स्पेशलिटी है जो स्क्रब नर्सेज हैं उनको बताने के लिए मैं ट्रॉमा ऑर्थोपेडिक और इमरजेंसी ओआर में काम करता हूँ जिसके अंदर मेजर इलेक्टिव माइनर इलेक्टिव केसेस आते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इनकेस अगर आपको इस चीज़ के बारे में मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरी कैपेसिटी में मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उतना अच्छा होगा और आपसे भी साइमल्टेनियसली सीखना चाहूँगा कि आपके अगर कुछ चीज़ें हैं या आपके कोई एसओपीज़ डिफरेंट हैं जो आप मुझे बताना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के थ्रू या आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं या कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए एंड आई होप आपको इसमें से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिला होगा एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।